जी हाँ, अब तक इसके पिछले वीडियो में हमने 30 ओलंपिक खेलों पर चर्चा किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्रथम ओलंपिक से लेकर के 30 ओलंपिक तक आप प्लेलिस्ट में जा करके, वो भी फिजिकल वाले प्लेलिस्ट में जा करके। जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। जी हाँ, अब तक इसके पिछले वीडियो में हम अब तक 30 ओलंपिक खेलों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस को आप फिजिकल एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं 31वें ओलंपिक खेल से। जी हाँ, 31वां ओलंपिक खेल का आयोजन 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट पॉइंट, इस ओलंपिक में 207 देशों ने भाग लिया था। किस ओलंपिक में? 31वें ओलंपिक में। इस ओलंपिक में 11,237 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इसका आयोजन यानी 31वें ओलंपिक खेल का आयोजन मरकाना स्टेडियम में इस खेल का आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। इसका आयोजन 5 अगस्त 2016 से 21 अगस्त 2016 तक किया गया था। किस ओलंपिक का आयोजन? 31वें ओलंपिक खेल का आयोजन जो 2016 में हुआ था, उसका आयोजन 5 अगस्त 2016 से 21 अगस्त 2016 तक आयोजन किया गया। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। इस ओलंपिक में 45% महिलाओं ने भाग लिया जबकि 55% पुरुषों ने भाग लिया था। किस ओलंपिक में? 31वें ओलंपिक खेल में। सातवां पॉइंट, इस ओलंपिक में महिलाओं के लिए गोल्फ और रग्बी खेल को सम्मिलित किया गया था जिसमें बाद में गोल्फ को हटा दिया गया था। गोल्फ और रग्बी खेल को शामिल किया गया लेकिन बाद में गोल्फ को जो है हटा दिया गया था। ये किस ओलंपिक में हुआ? ये 31वें ओलंपिक में हुआ। आठवां पॉइंट, इस ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी 31वें ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है एक नई दुनिया। अब हम चर्चा करते हैं 9th पॉइंट की। जी हाँ, इसका उद्घाटन ब्राजील के उपराष्ट्रपति माइकल टेमेर द्वारा किया गया था। किस ओलंपिक खेल का आयोजन ब्राजील के उपराष्ट्रपति माइकल टेमेर द्वारा किया गया था? तो वो था 31वां ओलंपिक खेल 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राजील। 10वां पॉइंट, एथलीट की शपथ रॉबर्ट सीट्स द्वारा ली गई थी। किस ओलंपिक में? 31वें ओलंपिक खेल में। 11वां पॉइंट, 31वें ओलंपिक खेल में ऑफिशियल की जो शपथ है वो मार्टिनो नोवर द्वारा ली गई थी जबकि कोच की शपथ एडियान सेंटोस द्वारा ली गई थी 31वें ओलंपिक खेल 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। जी हाँ, 13वां पॉइंट, ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया गया था, सॉरी, ओलंपिक मशाल वेंडरले कार्डिरो डे लीमा द्वारा जलाई गई। जी हाँ, 31वें ओलंपिक खेल में ओलंपिक मशाल किसके द्वारा प्रज्वलित की गई? तो वो प्रज्वलित किया गया था वेंडरले कार्डिरो डे लीमा द्वारा। अब बात करते हैं 14वें पॉइंट की। 31वें ओलंपिक खेल का जो शुभंकर था वो था विनीसियस एंड टॉम। 15वां पॉइंट, अंक तालिका में यानी 31वें ओलंपिक खेल में अंक तालिका में भारत 67th यानी 67वें स्थान पर रहा। अब बात करते हैं 16वें पॉइंट की। जी हाँ, इसमें भारत ने 2 पदक यानी 31वें ओलंपिक खेल में भारत ने 2 पदक प्राप्त किए। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, महिला एकल प्रतियोगिता में रजत पदक तथा साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। यानी पीवी सिंधु रजत पदक जबकि साक्षी मलिक ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। किस ओलंपिक में? ये बात हो रही है 31वें ओलंपिक खेल 2016 की। जी हाँ, 17वां पॉइंट,
उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा तथा समापन समारोह में साक्षी मलिक थी। यानी 31वें ओलंपिक खेल के समारोह में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो वो थे अभिनव बिंद्रा, जबकि 31वें ओलंपिक समापन समारोह में साक्षी मलिक ध्वजवाहक थी। अब बात करते हैं 18वें पॉइंट की। रियो ओलंपिक में भारत के कुल 124 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यानी 31वें ओलंपिक खेल में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, 124। 1900 पॉइंट, कुल खेल 30, कुल स्पर्धाएं 70। अब बात करते हैं 20वें पॉइंट की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहले मैच में आयरलैंड को 3-2 से हराया और ओलंपिक में 22 साल बाद हॉकी टीम की यह पहली जीत थी। तो ये है, हम चर्चा कर रहे हैं 31वें ओलंपिक खेल 2016 की। जी हां, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहले मैच में 31वें ओलंपिक खेल में 3-2 से 22 साल बाद हॉकी में पहली जीत हासिल की। अब बात करते हैं 21वें पॉइंट की। 31वें ओलंपिक खेल में अमेरिका पहले स्थान पर रहा। अमेरिका ने 46 स्वर्ण, 37 रजत और 38 कांस्य पदक जीतकर 121 पदक कुल प्राप्त किए और ये 31वें ओलंपिक खेल में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर था। दूसरा देश था ब्रिटेन, 27 स्वर्ण, 23 रजत और 17 कांस्य पदक लेकर के ये कुल मिलाकर के कुल 67 पदक प्राप्त किए ब्रिटेन ने और दूसरा स्थान हासिल किया। जबकि 31वें ओलंपिक खेल में तीसरे स्थान पर चाइना रहा। चाइना ने कुल 121 पदक प्राप्त किए जिसमें 26 स्वर्ण, 18 रजत और 26 कांस्य पदक शामिल हैं। और उस समय के जो IOC के अध्यक्ष थे, 31वें ओलंपिक खेल के समय IOC के अध्यक्ष थे थॉमस बाक, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। तो ये थी 31वें ओलंपिक खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।